नमस्कार दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल एसजे ट्रेडर्स में। दोस्तों, यह चैनल उन सभी दोस्तों के लिए बनाई है जो पार्ट टाइम चाहते हो। मैं वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ शेयर करता रहूँगा। कृपा करके इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं दोस्तों, कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। दोस्तों, बैंक निफ्टी का क्या क्लोजिंग हुआ है 39,340 के पास और उसका हाई मारा है 39,400 के पास और उसका क्लोजिंग हुआ है 39,330 के पास। दोस्तों, कल के लिए देखा जाए तो बैंक निफ्टी अगर 39,150 और 39,350 के बीच में ओपन होके इस लेवल को ब्रेक करती है, यानी कौन सा लेवल रहेगा हमारा 39,400 को ब्रेक करता है, तो उसका पहला टारगेट आएगा 39,600 और दूसरा टारगेट आ सकता है ऊपर की साइड में 40,000। और ऐसे ही अगर फ्लैट ओपनिंग करके 39,150 ब्रेक करता है तो उसका डाउन साइड में टारगेट आ सकता है 38,980 और सेकंड टारगेट आ सकता है 38,600। ये जो गैप यहाँ पे पड़ा है उसको फिल करने के लिए नीचे आ सकती है बैंक निफ्टी। आइए देखते हैं निफ्टी में दोस्तों कल क्या हो सकता है। दोस्तों, निफ्टी में देखा जाएगा वन डे के कैंडल में उसका उसने हारा है आज 70,800 के पास आया है और उसका क्लोजिंग हुआ है 70,780। अगर कल निफ्टी दोस्तों इस लाइन को ब्रेक करता है, यानी कौन सा लेवल रहेगा हमारा 70,800। फ्लैट ओपनिंग होना चाहिए, फ्लैट ओपन होके इस लेवल को ब्रेक करता है 70,800 तो उसका सीधा टारगेट आएगा 70,900 और दूसरा टारगेट आएगा उसका 80,000 अपसाइड पे। और वैसे ही डाउन साइड पे देखा जाए तो 70,730 को ब्रेक करता है, ये जो हमारा लेवल आया है 70,730 को ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा 70,675 और दूसरा टारगेट आएगा डाउन की साइड में 70,600। ये फिल करने के लिए आ सकता है। दोस्तों, मैं ये वीडियो एजुकेशन के पर्पज से ही बनाता हूँ। आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा ज़रूर लीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।